शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी, बीज एवं फॉर्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल, जिला पंचायत प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल व राम बर्मन सिंह गुर्जर तथा देवेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, परिवहन आयुक्त मुकेश जैन, संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जोर देकर कहा कि निर्माणाधीन सड़कों के पूर्ण होने की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें, इसी तरह सड़कों की मरम्मत भी समयबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाए, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ग्वालियर शहर की सभी सड़कों की स्ट्रीट लाइट हर साल में 15 मई तक दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी द्वारा ग्वालियर शहर के अंतर्गत 25 सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 86 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इनकी टेंडर प्रतिक्रिया प्रचलन में है। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा, शहर की शेष सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार से धनराशि प्राप्त करने के लिए भोपाल स्तर पर प्रयत्न किए जाएंगे। शहर की कुल 124 किलोमीटर लंबाई की 84 सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए लगभग 171 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर बाजार व सड़कों का हर पहलू से अध्ययन कर वैज्ञानिक तरीके से ग्वालियर शहर का यातायात प्लान तैयार करने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा, हर वार्ड व बाजार की मांग के अनुसार यह तय करें कि किस मार्ग पर टेम्पो, ऑटो व ई रिक्शा चलेंगे और किस मार्ग पर सिटी बस। उन्होंने कहा, टेम्पो व ऑटो रिक्शा को छोटे मार्ग और बसों के लिए लंबे रूट निर्धारित करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ऑटो व टेम्पो के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। हमने तय किया है कि वेस्टर्न बाईपास की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग अभी तय होनी है, उसके बाद दिल्ली के स्तर पे, और फिर वेस्टर्न बाईपास जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसका कार्य भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना की भी हम लोग ने समीक्षा की और आने वाले 6 महीने में, 1 साल में इस योजना को भी हम पूर्ण करेंगे। अटल जी के स्मृति में जो गोरखी स्कूल का काम भी तीव्र गति से चल रहा है और आने वाले समय में ISBT, गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग और अनेक दूसरे कार्यों का भी हम लोग कार्य जल्द से जल्द शुरू करेंगे। आखिरी मुद्दा था पर्यटन, और पर्यटन पे मैंने कहा है कि अगली बार जो हमारी बैठक होगी उस पर विस्तृत तरीके की जानकारी हमारे समक्ष रखी जाए। यूनेस्को ने ग्वालियर को चुना है हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप के लिए। ये पहला शहर है पूरे एशिया में, इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती, और उनके अधीन हम लोग उनके विचारधारा के आधार पर ग्वालियर को एक पर्यटन का केंद्र भी बनाएंगे और संस्कृति का भी केंद्र बनाएंगे। और जो मैंने कहा था 5-6 जो हमारे विचारधारा है सांसद महोदय और हम, अगले जो बैठक होगी प्रशासन के साथ हम लोग ग्रामीण अंचल में करेंगे, ताकि ग्रामीण योजनाओं के साथ साथ पर्यटन पर भी पूर्ण रूप से हम लोग विश्लेषण करें और आगे का मार्ग हम लोग साथ में मिलकर प्रशस्त करें। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।